हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीष दुबे। दिस इज द लेक्चर 2 ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट हैं। जितने भी RBS पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं मैकेनिकल ब्रांच के, वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना नाम रोल नंबर लिख दें, जल्द से जल्द लिख दें ताकि मैं अटेंडेंस ले सकूं। अगर नहीं वो वीडियो देखेंगे या अटेंडेंस नहीं लिखेंगे, अपना नाम रोल नंबर नहीं लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, तो उनके इंटरनल्स मार्क्स कट जाएंगे और 75% अटेंडेंस भी अनिवार्य है पेपर देने के लिए। इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में देखा था कि एनर्जी कंजर्वेशन में एनर्जी क्या होती है, टाइप ऑफ एनर्जी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एनर्जी, ये सब मैंने देखा था। कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी सिनेरियो इन उत्तर प्रदेश, एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, ये सब मैंने देखा था। और थोड़ा बहुत हमने बात किया था इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज इन क्लाइमेट, इसमें ग्लोबल वार्मिंग की बात किया था, ये सब बात किया। आज मैं इसी को डिटेल में बात करूँगा, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज इन क्लाइमेट। जो भी हम एनर्जी यूज करते हैं, ऊर्जा, वो क्या इम्पैक्ट डालता है क्लाइमेट पे, उससे हमारा जलवायु क्या प्रभावित होता है, कैसे प्रभावित होता है, क्या हानियाँ होती हैं हमारे जलवायु और हमें उससे क्या हानियाँ हैं, ये सब आज देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं जितने भी हमारे फ्यूल हैं, फॉसिल फ्यूल की, जैसे क्रूड ऑयल, कोल, कोक, ये सभी ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। ये कार्बन जो होता है ये बहुत हमारे एटमॉस्फेयर को हानि पहुंचाता है, अगर इसका कंबस्शन नहीं हो ठीक से तो हानि पहुंचाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे आप जानते हैं किसी भी फ्यूल के कंबस्शन से जो भी प्रोडक्ट मटेरियल उत्पन्न होता है, उनमें से ज़्यादातर जो गैसें निकलती हैं वो वायु प्रदूषक होती हैं। कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, जब आप पेट्रोल का कंबस्शन हो चाहे डीजल का कंबस्शन हो, डीजल का कंबस्शन होता है तो डीजल को यूज करते हैं, जो फ्यूल कंबस्शन होता है, तो डिफरेंट हानिकारक गैसें निकलती हैं कंबस्शन के फर्स्ट। पावर हमें प्राप्त होता है, लेकिन जो भी वेस्टेज निकलता है गैसें वो बहुत हानिकारक होती हैं। कौन कौन सी वेस्टेज गैसें निकलती हैं ये हम देखते हैं। धूल, ये तो होता ही है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जितनी भी गैसें निकल रही हैं ये कैसे इन्वायरमेंट में प्रभाव डाल रही हैं ये देखते हैं। जैसे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड कब निकलता है देख लेते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये किसके कंबस्शन के फलस्वरूप, जब हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होता है तो उसमें और भी डिफरेंट मटेरियल मिक्स होते हैं। जैसे सल्फर के जितने भी ऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्य रूप से ईंधन में
फ्यूल में क्या रहेगा तो इनका ईंधन निकले उत्सर्जन होगा जब फ्यूल में सल्फर रहेगा। फ्यूल में सल्फर की भी मात्रा होती है तो सल्फर मिलेगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड निकालेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ईंधन में सल्फर सामग्री के कारण तेल और कोयले के दहन से, ज़्यादातर तेल और कोयला जो होता है उनके दहन से होता है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनका नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कब निकलता है, इसका उत्सर्जन ईंधन के दहन के साथ, ईंधन से और दहन हवा दोनों से भी जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर जो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों सबसे बड़े पॉल्यूटेंट है गैस के, ज़्यादातर इन्हीं कारण पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। उत्सर्जन ईंधन दोनों विश्व स्तर को सबसे वायु प्रदूषक के रूप में पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड जो भी हुआ, सल्फर के ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों ही मिलके एसिड रेन कराते हैं। एसिड रेन आगे डिस्कस करेंगे, एसिड रेन क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के, अम्लीय वर्षा के लिए, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, एसिड रेन के लिए। इसलिए जब एसिड रेन के बारे में आएगा तो सबसे लिखना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन के कारण तो होता है, लेकिन कौन से गैसें कारण सबसे ज़्यादा होता है, सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का कब उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से उतना हानि नहीं होता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोबल वार्मिंग इससे ज़्यादा होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ये सबसे ज़्यादा कब बनता है, ये सबसे ज़्यादा बनता है जब हाई, जो भी जो फ्यूल यूज कर रहे हो, अगर उस फ्यूल का कम्बस्चन सही ढंग से ना हुआ रहे, फ्यूल का कम्बस्चन अच्छे से ना हुआ रहे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो ये सब गैसें बनती हैं जब हमारा हाइड्रोकार्बन का कम्बस्चन होता है, हाइड्रोकार्बन मीन्स फ्यूल का कम्बस्चन होता है। देखिए, सम ऑफ द इन्वायरमेंटल इशू ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस आर, कौन कौन से बेसिक महत्व के कुछ प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं, कौन कौन से हैं ग्लोबली कौन कौन से पर्यावरणीय मुद्दे। पहला एसिड रेन, सबके अलग अलग डिस्कस करेंगे अभी, ओजोन परत डिफ्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए हम एसिड रेन की बात करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया है, एसिड रेन कौन कौन से गैसों के कारण होता है, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के कारण सबसे ज़्यादा, जो भी हम फ्यूल का कम्बस्चन होता है, जो भी हाइड्रोकार्बन का, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, जो भी यूज कर रहे हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा किसके कारण, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन्हीं दोनों के कारण सबसे ज़्यादा एसिड रेन होता है। तो जीवाश्म ईंधन के दहन से, देखो लिखा भी है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निकलने के कारण एसिड, तो सल्फर के ऑक्साइड निकलेगा तो SO2 निकलेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेगा तो N2O निकलेगा। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ज़्यादातर नाइट्रस ऑक्साइड ही निकलता है, और सल्फर के ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, इन्हीं के कारण एसिड रेन होता है, जो फिर वातावरण में जलवाष्प के साथ मिलके, जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड निकला, सबसे पहले तो सल्फर निकला किससे, क्योंकि कम्बस्चन में वहाँ पे जब फिर कम्बस्चन होता है उसमें सल्फर की मात्रा भी होती है, तो सल्फर की मात्रा होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बाहर आएगी तो सल्फर डाइऑक्साइड निकाल देगी, और नाइट्रोजन भी रहेगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकाल देगा। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जब गैस जब निकल जाएंगी, जब कम्बस्चन के फलस्वरूप जब बाहर निकल जाएंगी ऑक्सीजन के साथ मिलके, तो ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है, जलवाष्प है, H2O है। क्यों जलवाष्प है, क्योंकि आप देखते हो आर्द्रता, इसी को तो कमी कर आर्द्रता कहते हैं, नमी इसी को कहते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता तो प्रेजेंट रहता ही है, H2O जलवाष्प, आप लोग ये बात भलीभांति जानते हो, H2O प्रेजेंट होता है वायुमंडल में। तो यही जब सल्फर के ऑक्साइड H2O से जब
जलवाष्प से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, H2SO4। तो यही तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यही तो एसिड होता है, यही एसिड होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, ये एसिड है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन दे रहा है। अब आप जानते हो जो H प्लस आयन देता है, ज़्यादातर H प्लस आयन जो देता है वो एसिड होते हैं, और ज़्यादातर जो OH माइनस आयन देते हैं जैसे NaOH, ये तुम्हारा क्या, ये कौन सा आयन देगा, OH माइनस आयन देगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस हो गया। जो OH माइनस आयन देता है वो क्या होता है, बेस। तो यहाँ पे हम एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड H2SO4। और N2O कैसे, कौन सा एसिड बनाता है, N2O, और जलवाष्प के साथ ये भी मिलेगा H2O, तो क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा। ये क्या है, ये भी तो एक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल H2SO4 और HNO3, ये भी नाइट्रिक अम्ल है। तो ये दोनों जब एसिड बना देंगे तो ये पानी के साथ, जब भी क्या होता है, बारिश होती है तो पानी की बूंदों के साथ आते हैं नीचे वापस। इसलिए कहते हैं पहली बरसात में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें एसिड रेन की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि बहुत से एसिड पहुंच चुके होते हैं, तब तक पहले बारिश के द्वारा थोड़ा सा कम हो जाते हैं, इसलिए पहले बारिश में स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये होता है एसिड रेन। इससे प्रभाव क्या होता है एसिड रेन से, इफेक्ट क्या है एसिड रेन से, देखते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। आखिर में जब एसिड रेन हो रहा है तो क्या होगा इफेक्ट, पेपर में अगर आएगा एसिड रेन के बारे में लिखने के लिए तो ऊट पटांग कोई बातें नहीं लिखेगा, बस ये लिखेगा कि वायुमंडल में जो भी हाइड्रोकार्बन का कम्बशन होता है उससे जो भी क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, वही जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो वाटर के साथ बारिश बनके, जो पानी की बूंदों के साथ बनके बरसते हैं, वही एसिड रेन होता है। बस इतना, ये सबसे इफेक्टिव पॉइंट है। तो और इफेक्ट क्या है, इफेक्ट भी लिखोगे, तो इफेक्ट क्या है, जैसे जितने भी नदियों का पानी है, झीलों का पानी, जैसे मीठे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील, इन सबों में क्या होता है, इन सब अगर एटमॉस्फेयर से बारिश होगी तो बारिश की बूंदें होंगी तो एटमॉस्फेयर में जाए, ये पानी पे जाएगा तो पानी को क्या बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, पानी का अम्लीकरण हो जाता है, और क्या हो जाती है, वन्य जीवों की हत्या हो जाती है, जैसे पेड़ फसल जली पौधे और जानवर, ये सब बहुत प्रभावित होते हैं। मूर्तियाँ जो भी आपके घर हैं जो बनवाए हो उसमें क्या होते हैं, पेंट उसको ख़राब हो जाते हैं एसिड रेन के द्वारा, पेंट ख़राब हो जाते हैं। मूर्तियाँ जो बड़े महंगी महंगी भगवान की चाहे कोई भी मूर्ति लगी हो वो ख़राब हो जाती है, और क्या स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, श्वसन, त्वचा, आँखों में सबसे बड़ी बात आँखों में जलन हो ले, तभी ना पहले पानी में आप स्नान करोगे, जैसे एसिड जब मिल के बरसता है तो पहले पानी में स्नान करोगे तो ज़्यादातर आँखों में जलन होती है, तो आँखों में जलन किसके कारण होती है, इसी एसिड के कारण, क्योंकि एसिड आ रहा है ना उसके साथ, ये होता है। अब एसिड के बारे में इतना सब लिख देना, बाकी बहुत है। अब आते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत की कमी। जैसे पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में थोड़ा सा बात किया था, ओजोन की परत की कमी, मैंने बताया था ओजोन की परत समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। कहाँ है ओजोन, ओजोन हमारे पृथ्वी से कितने किलोमीटर, से ये अर्थ है आपकी, अर्थ है ये आपके, यहाँ से ये डिफरेंट डिफरेंट वायुमंडल के परत हैं, यहाँ से होते हुए अंतरिक्ष है, फिर कई किलोमीटर के बाद से अंतरिक्ष है। क्या होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वही मंडल, ये होते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, वही मंडल, ये सब होते हैं ना। ओजोन लेयर किसके, इस कहाँ पर पाया जाता है, समताप मंडल में, इसका मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, इंग्लिश में उसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ओजोन लेयर जो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 10 से 50 पृथ्वी से, ये अर्थ है आपका,
घर से कितना दूर है? 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ऐसा नहीं इतनी मोटी होती, इतनी मोटी परत पाई 10 से 50, नहीं इतने के रेंज में पाई जा सकती हैं। तो और बहुत पतली सी होती हैं, बहुत पतली सी, ये एक तरह से समझ लो सुरक्षा कवच है हमारे पृथ्वी का। ये करता क्या है ओजोन परत? ओजोन परत जो भी सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं, हानिकारक किरणों में मतलब क्या, पहला हानिकारक किरणें जैसे अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणें, नाम सुने हो अल्ट्रावायलेट रे, तो अल्ट्रावायलेट रे जो आती हैं, अल्ट्रावायलेट रे जो आती हैं उन्हीं के कारण से वो ये अल्ट्रावायलेट रे बहुत ख़तरनाक होती हैं हमारे लिए, हमारे स्किन कैंसर हो जाता है इससे, ये बहुत ख़तरनाक होती है। तो इसको रोकता है ओजोन परत, जैसे यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मान लो ये ओजोन है, ओजोन की परत है, यहाँ सन है, सन से जब हानिकारक किरण है तो ओजोन क्या करेगा, ओजोन की परत इसे आएगी पराबैंगनी के, पराबैंगनी को एब्जॉर्ब कर लेगा थोड़ा, या तो रिफ्लेक्ट कर देगा अंतरिक्ष। तो ये सुरक्षा को, अगर ये अगर मान लो ओजोन परत में क्षय हुआ, इसका मतलब बीच में ओजोन की परत की छिद्र हो गई ओजोन परत में, तो क्या होगा, जैसे ये है यहाँ पर मान लो छिद्र हो गया, तो क्या करें, ओजोन जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रहेगी डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएगी, और हम पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं सबसे ऊपर हम लोग रहते हैं, अर्थ पे सबसे ऊपर हम ही लोग रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे स्किन कैंसर होगा। इसलिए देखिए जो ये अल्ट्रावायलेट रे आती हैं, अगर मैं थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट रे के बारे में बताऊँ तो यहाँ बहुत हानिकारक किरणें होती है, 3 प्रकार की होती हैं, UVA नाम दिया गया, UVB UVC अल्ट्रावायलेट रेडिएशन A, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन B, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन C। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन B होता है यही सबसे खतरनाक होता है, ये A और B तो नहीं उतना उतना खतरनाक नहीं होता है, इससे हमें हानियाँ होती नहीं पहुँचे, लेकिन अल्ट्रावायलेट जो B होती है सबसे खतरनाक होती है, इनको नहीं वह धरती पाने देना है। तो लेकिन जब हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, तो यही हमारे अल्ट्रावायलेट बी, UVB, बस थोड़ा सा जान लो, UVB उसका नाम है, जो भी अल्ट्रावायलेट रे बी या UVB, अल्ट्रावायलेट रे बी उसका नाम है, ये सबसे हानिकारक होती हैं, हानिकारक ये होता है। अब देखते हैं क्या होता है ओजोन लेयर के डिप्लेशन से, इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, क्या हमें प्रभाव पड़ता है मानव पे, पशुओं पे, पंछियों पे, क्या प्रभाव पड़ता है मानव, पहला है मानव और पशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव, अभी तो बताया हूँ मानव के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है ओजोन के, और भी ओजोन का कौन सा ओजोन लेयर में अगर डिप्लेशन होगा तो अभी अल्ट्रावायलेट रे का कौन सा, UVB, ये बहुत खतरनाक होता है, UVB के बढ़ते से आँखों के रोगों, त्वचा का स्किन का कैंसर होता है, संक्रामक रोगों से संभावित जोखिम के साथ आदि मानव का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। अब आगे देखते हैं पौधों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्लांट, ये जितने मैंने लिखा है सब एक हेडिंग है, इसमें थोड़ा थोड़ा लिखना कि यूवी जो बी आती है अल्ट्रावायलेट जो बी, उससे हमें स्किन का कैंसर होता है, आँखों पर प्रभाव, जलन होती है। अब आते हैं देखते हैं पौधों पर क्या प्रभाव होता है, तो पौधे पर क्या होता है, जितने भी वनस्पति हैं छोटे छोटे वनस्पति रेडिएशन के द्वारा संरचना में और बायोडाइवर्सिटी को जो UVB आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रे बी आती हैं UVB, यही सबसे खतरनाक होती है, अभी मैंने बताया है इसी के कारण, इससे क्या होता है जितने भी पेड़ पौधे उनके बायोडाइवर्सिटी को ही बदल देते हैं, जैव विविधता इन्हीं को ही परिवर्तित कर देता है ये अल्ट्रावायलेट रे, और संरचना को कंपोजिशन को परिवर्तित कर देता है UVB, सबसे खतरनाक होती है UVB। ABC तीनों आती हैं, लेकिन तीनों में सबसे खतरनाक बी होती है, ए और सी उतनी नहीं होती, हानिकारक होती है। अब आते हैं देखते हैं
इफेक्ट ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो भी जितने भी जल में जीव रहते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक मिनट देखिए, जितने भी ट्रॉपिक एरिया कभी वन क्षेत्रों में रहते हैं या सब ट्रॉपिक एरिया उष्णकटिबंध क्षेत्रों में रहते हैं, जितने भी एक्वाटिक फूड एक्वाटिक में पानी में रहते हैं जिसके कारण मछली, झींगा, केकड़े, जितने भी उभयचर प्राणी होते हैं और अन्य जानवरों के, इनके विकास चरणों को भी नुकसान होता है और सबसे गई इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती है, रिप्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती है, जब इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होगी तो इनकी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, जब ये आगे जनरेशन ही नहीं हो पाएगा, इनका प्रजनन ही नहीं होगा, जब आगे रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, इनकी 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 जो प्रजातियां हैं धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। तो ये प्रभाव होता है ओजोन लेयर डिप्लेशन से। और आप लोग जानते हो बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत विलुप्त हो चुकी हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, इसी सब ये पॉल्यूशन के कारण, ओजोन लेयर डिप्लेशन के कारण होता है। और वायु की गुणवत्ता में क्या प्रभाव होता है, क्वालिटी तो खराब हो जाएगी। कैसे, जो UVB आती हैं, UVB अभी बार बार डिस्कस कर रहा हूँ मैं, UVA और सी इतनी ही हानिकारक, UVB के विकिरण के कारण जो भी ट्रेस गैसेस हैं उसका हाई फोटोसिंथेसिस, हाई क्या होता है, फोटो डिसोसिएशन हो जाता है, हाई फोटो डिसोसिएशन हो जाता है। जो UVB फोटो, ये क्या होता है, फोटो डिसोसिएशन रेट, फोटो डिसोसिएशन क्या होता है, मतलब जो भी जितनी भी गैसें हैं उनको छोटे छोटे उनके, जैसे मान लो तुम्हारा जो भी गैसें हैं, जैसे जो भी कॉम्प्लिकेटेड गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, चाहे कोई भी गैसें हुआ, ऑक्सीजन हुआ, तो इनको ऑक्सीजन को तोड़ देगा ये जो भी UVB है, इनको जैसे ऑक्सीजन को तोड़ कैसे तोड़ेगा, इनको नेसेंट ऑक्सीजन में O.O में बना देगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन में ये तोड़ देगा, तो क्या होगा, ये दोनों बहुत खतरनाक हो जाएंगे, ये तो ये प्रभाव पड़ता है नेसेंट ऑक्सीजन में, तो उसी को कहते हैं, जैसे गैस को ही उसके मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, वही फोटो डिसोसिएशन होता है। और किसके कारण होता है, UVB के कारण। अब आते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंज। ग्लोबल वार्मिंग में कैसे होता है, एसिड रेन देख लिए, ओजोन लेयर डिप्लेशन देख लिए, अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज। मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। देखिए आप लोग जानते हो वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में गैस की एक पतली परत है, गैस की एक पतली परत है, कौन कौन से गैस सम्मिलित है उसमें, ज्यादातर गैस किस में है, ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल में, उसके बाद से जितने ही आप पृथ्वी से, ये अर्थ है, ये आपका अर्थ है, यहाँ से जितने ही आप हाइट पे जाओगे, जितने ही हाइट पे जाते जाओगे यहाँ से एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, हवा की, हवा बहुत पतला होता जाएगा, ज़्यादातर जो हवा होता है पृथ्वी के समीप होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि हवा भी क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, पृथ्वी उसे खींची रहती है, लेकिन जितना ही दूर जाता है, आप लोग जानते हो जितना ही दूर जाने पर ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाता है। तो ज़्यादातर जो भी गैसें हैं वो हमारे अर्थ के नज़दीक रहती हैं, और उनमें उन गैसों में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, आप लोग एक बार जानते हो, 0.04 क्या है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, एक मिनट, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.04% आर्गन है, इसके अलावा जलवाष्प हैं, वाटर वेपर हैं, और कई गैसें मौजूद हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, ग्लोबल वार्मिंग को समझने के पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं, फिर ग्लोबल वार्मिंग बताऊंगा।
पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। जो भी पृथ्वी पर मौजूद है वातावरण, वातावरण क्या, ये अर्थ है आपका, समझ लेना ध्यान से, अर्थ है। जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी यहाँ पे गैसें हैं, ये वातावरण पृथ्वी को चारों तरफ से घेरी है, ये अर्थ है आपका, अर्थ है गोल है पूरा ऐसे, तो इन्हीं को चारों तरफ ऐसे घेरी है। नज़दीक सबसे ज़्यादा है यहाँ पे हवा की डेंसिटी, जितना ही पृथ्वी से नज़दीक रहेंगे उतना ही ज़्यादा रहेगा, ऊपर जाएंगे कम होता जाएगा, धीरे धीरे अंतरिक्ष में जो भी वातावरण है ग्रीन हाउस की सतह के रूप में काम करता है। ग्रीन हाउस की सतह मतलब मान लो एक तरह से मान लो ये तुम्हारा घर है पृथ्वी, मान लो क्या है पृथ्वी एक्चुअली हमारा घर ही है, ये हमारा घर है, तो उसके चारों ओर क्या ये सूरज दरवाजे हैं, किवाड़ हैं, समझ लो चारों तरफ दरवाजे हैं, दरवाजा किसका है, गैसों का। तो जो भी हमारा सन से रेडिएशन आता है अर्थ पे, ये अर्थ है। जो भी हमारा सन, ये सन है आपका, जो भी सन से रेडिएशन आता है, जो भी यहाँ पे और किससे होके आता है, जो भी हमारे चारों तरफ वायुमंडल में गैसें उनसे होके गुजरता है तो उनमें से 31% ध्यान से सुनना, 31% गैस भाग पृथ्वी की सतह से यहाँ से आएगा, सन से रेडिएशन आ रहा है हमेशा, 31% भाग यहाँ से रेडिएशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी से टकरा के वापस चला जाएगा, स्पेस में चला जाता है। और उसमें से कितना पर जो भी आता है तो 31%, और उसमें से लगभग 20% ये सन है आपका, उसमें से लगभग 20% क्या हो जाएगा, वो जो अर्थ के जो एटमॉस्फियर है मतलब चारों तरफ जो हवा है, और या जो जितने यहाँ पे झीलें हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, या और भी क्या है, पेड़ पौधे हैं, ये सब हैं, 20% उपभोग करते हैं, 20% भाग वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उपभोग करते हैं। सूर्य से आई ऊर्जा का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर मौजूद समुद्र सतह पर मौजूद तत्व द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जब ये अवशोषित करेंगे तो क्यों से फिर उसको क्या करेंगे, हीट के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह और ऊपर में मौजूद हवाओं को गर्म, जो पृथ्वी की सतह है, सतह सरफेस, और ऊपर जो गैसें हैं मौजूद उनको गर्म बनाए रखने में मदद करता है। कितना परसेंट हिस्सा, 20%, उसमें से कुछ भाग सोशल 31% तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, वो तो स्पेस में चला गया, तो ये आपका होगा उष्मा को। तो पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ खास गैसें ग्रीन हाउस गैसें की तरह काम करती हैं। पृथ्वी की वातावरण में जो मौजूद हैं गैसें, कुछ खास गैसें जो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती हैं, जो क्या होता है, उष्मा को पृथ्वी पर बांधे रखती हैं। बांधे रखने का मतलब क्या, जैसे यहाँ से सन से आया रेडिएशन, अगर यहाँ पे जो भी एटमॉस्फियर है, हवा का वो चारों तरफ वायुमंडल है, अगर ये पृथ्वी सारे रेडिएशन को बाहर जाने देता तो क्या होता, पृथ्वी तो ठंडी हो जाती, पृथ्वी तो एक क्या हो जाता, एक बहुत ठंडा इलाका हो जाता, बर्फ जम जाती, जितने भी समुद्र के पानी हैं, झील हैं, नदियाँ हैं, जो भी हैं, जितने भी पानी के स्रोत हैं सारे बर्फ बन जाते, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना डाउन हो जाता, तो मानव का अस्तित्व ही नहीं रहता, या मानव ही के कोई भी जीव जंतु का अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन जो भी गैसें हैं पृथ्वी के चारों, वो क्या करती हैं, वो जो भी रेडिएशन आता है उसको 20% लगभग अवशोषित कर लेती हैं, वही तो ग्रीन हाउस इफेक्ट डालते हैं। एक बात बताओ, मैंने पिछले टर्म पे बताया था, और ग्लोबल वार्मिंग कैसे इससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग, जब एक बात, जब किसी की सबसे ज़्यादा अधिकता भी नुकसान होता है,
अधिकता कैसे नुकसान है, ये अर्थ है, जब ये चारों तरफ वायुमंडल है तो यहाँ तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, वाटर वेपर है। देखो अभी मैंने लिखा है ग्रीन हाउस गैसें, वाटर वेपर है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ओजोन भी एक गैस है, गैस भी है और लेयर भी है ऊपर, क्लोरोफ्लो कार्बन कार्बन है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। क्यों ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं ये? ग्रीन हाउस गैसें इसलिए इसे हम कहते हैं क्योंकि ये यही गैस रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो भी पृथ्वी, जो हमारा अर्थ है उससे जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है रेडिएशन का, जो सन से आया है उसको अवशोषित कर लेती हैं, यहाँ पे चारों तरफ रहती हैं यही गैसें, मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, यही सब अवशोषित कर, इसलिए जब ये अवशोषित करेंगी तो वही गर्माहट पैदा, जब ये यहाँ पे समझ लो दरवाजे पे बैठे हैं, ये अवशोषित कर ले रहे हैं, जब यहाँ पे बैठ, जब ये हमारे घर के बाहर चारों तरफ बैठे हैं, मतलब अर्थ के बाहर चारों तरफ बैठे तो अवशोषित कर ले रहे हैं, तो क्या करेंगे ये? ग्रीन हाउस इफेक्ट करेंगे, यही तो गर्म करेंगे पूरे पृथ्वी को। लेकिन जब इनकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो पृथ्वी को ज़्यादा गर्म करने लगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग खुद कॉमन सेंस इतना सोच सकते हो, जब इनकी मात्रा वायुमंडल में अधिक हो रही तो ज़्यादातर, मान लो अभी 20% अवशोषित हो रहा है, 31% तो रेडिएशन पृथ्वी में चला जा, स्पेस में चला जा रहा है, 20% अवशोषित हो रहा है, अब यही 20 से बढ़ के 30% अवशोषित होने लगे या 25% अवशोषित होने लगे, तो ज़्यादा अवशोषित होने लगा और रिफ्लेक्शन तब कम हो जाएगा, 31 से डाउन होके कितना जाएगा, 25 या 30 आ जाएगा, जब इसकी मात्रा कम होगी इसकी मात्रा अधिक होगी, जब इसकी मात्रा अधिक होगी तो हमारे जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है, जैसे एवरेज टेम्परेचर मतलब पूरे आल अर्थ का टेम्परेचर, वो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीमेंट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जितने भी हिमालय में, हमारे हिमालय में हैं, चाहे जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बर्फ जमे हैं, ग्लेशियर हैं बड़े बड़े, अभी भी पृथ्वी पर बहुत से ऐसे ठंडे इलाके हैं जहाँ पर हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है, लेकिन आपका, लेकिन एवरेज टेम्परेचर तब भी पृथ्वी का अधिक है, एवरेज टेम्परेचर क्यों ऐसा, एवरेज टेम्परेचर मतलब कहीं 40, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कहीं 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहीं 50 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, कहीं पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहीं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सब का एक एवरेज निकाल देते हैं और अर्थ का उसी से देखते हैं टेम्परेचर, तो उस जितने भी एवरेज टेम्परेचर है पृथ्वी का हाई हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, यही सब गैसें अर्थ को सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, और क्या हो जाए, इससे जितने भी बर्फ हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, पिघल जाएंगे, और पिघल के क्या करेंगे ये, जब ये पिघलेंगे तो पिघल के कहाँ जाएंगे, जानते हो आप लोग, सारी नदियाँ चाहे जो भी जितने भी वाटर स्रोत हुए सब जाके समुद्र में गिरते हैं, समुद्र ही सबका, सबको शोषित करता है, जितने भी वाटर के, पानी के वो स्रोत हैं, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो धीरे धीरे समुद्र में जाएंगे, पिघल के पानी में आएंगे, बर्फ पानी में, बर्फ पिघलता पिघल के जाएगा पानी में, और पानी में जाएगा तो इससे क्या होगा, वह समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जितने भी हमारे तटीय क्षेत्र हैं जिस पे हम रहते हैं, ज़मीन है, वो सब हमारे पानी में डूब जाएंगे, जब पानी में डूब जाएंगे तो हमारे लिए रहने का जगह नहीं बनेगा, मिलेगा रहने का जगह नहीं मिलेगा तो खेती नहीं हो पाएगी, बहुत से प्रॉब्लम हो जाएगा, ये आपका होता है ग्रीन हाउस, हमें, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ओके, थैंक यू।